कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड के बोकारो में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान मजदूर युवा के साथ भाजपा अन्याय कर रही है। केवल आर्थिक अन्याय नहीं, सामाजिक अन्याय भी हो रहा है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, उन्हें अपना हक नहीं दिया जाता, दलितों को दबाया जाता है। पूरा देश जानता है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसान की जमीन हो, ये सब चीजें नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति के हवाले कर रहे हैं। नोटबंदी की, जीएसटी लागू की और देश में भयंकर बेरोजगारी फैला दी। आज इस देश में युवा चाहे भी उसको रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे छोटे उद्योग, स्मॉल और मीडियम बिजनेस, पब्लिक सेक्टर यूनिट बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं, रद्द कर दिए हैं। यहां बोकारो में बहुत अच्छा उदाहरण है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यहां पे जितना रोजगार लोकल लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और कॉन्ट्रैक्ट लेबर देश में फैलाते जा रहे हैं। मैं यहां साफ कहना चाहता हूं, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है, ये श्रमिकों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। तो चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, सबके खिलाफ बीजेपी की सरकार अन्याय कर रही है। सिर्फ आर्थिक अन्याय नहीं, सामाजिक अन्याय। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।